भावलपुर में जश्न आजादी के रंग हर तरफ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हर पाकिस्तानी वतन अजीज से अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इस इजहार मोहब्बत में बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। भावलपुर के बच्चों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। 14 अगस्त की मुनासिबत से सजे स्टॉलों पर कौमी परचम और झंडियां खरीद रहे हैं। पहले 14 अगस्त चलती थी ना, पहले इतना काम नहीं होता था। अब हर चीज बिकनी है, बच्चों में, बच्चियों में, हर के पहले बड़े बड़े साइजों में चल रहे हैं, लेडीज साइज चल रही है। 14 अगस्त की तब्दीली आने से काफी कारोबार में असर पड़ा है। बच्चों की खुशी एक तरफ, बुजुर्ग और नौजवान भी वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करते दिखाई देते हैं। कौमी परचम फरोख्त करने वाले स्टॉल मालकान भी इन अशिया को फरोख्त करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। कहते हैं कि सारा दिन बच्चों और बड़ों की भीड़ लगी रहती है, जो कि वतन अजीज के साथ मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। देखिए जी, 14 अगस्त जो है ना, जो हमारा मुल्क मकसद, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। पहला जो पहले पोजिशन थी वो इस तरह लोग नहीं मनाते थे, इस साल इंशाल्लाह उससे जज्बा ज्यादा है लोगों में। जश्न आजादी की खुशी में दुकानों पर सजे स्टॉलों से धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही है। सरसब्ज हिलाली परचम के अलावा काय की तस्वीर के बैजेस भी खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े शौक से शर्ट और कमीजों पर सजा रहे हैं और जिंदा दिल कौम होने का सबूत दे रहे हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, भावलपुर।